Hello and welcome to WeLearn Networks. This is session number 8 of subject e-marketing, and today we will cover the chapter Customer Behavior and Response in e-marketing. The topic that we will cover in these sessions are general characteristics of customer in e-marketing. Predicting customer response and dealing with customer perceptions and exceptions in e-marketing, measuring customer behavior and responses toward e-marketing strategies, evaluation of customer responses, and handling safety and security concerns of customers. First topic is general characteristics of customers in e-marketing. While creating a marketing mix geographic and demographic segmentations of customer is considered very important however in an e-marketing scenario apart from general social and cultural trends individuals will certainly vary in their online behavior some of these variances are based on differences in characteristics such as lifestyle and attitude जो मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कस्टमर्स जो शो करते हैं वो पर्टिकुलरली लाइफ और एटीट्यूड में डील करते हैं हर अपन हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो ऑनलाइन अपना कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर सकते हैं अपनी बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं और लाइक कस्टमर्स एवरी कस्टमर का अपना एक लाइफस्टाइल होता है अपना एक एटीट्यूड होता है जिस हिसाब से वो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन परचेजेस करते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए जब हम ई मार्केटिंग करते हैं तब हमें कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखना चाहिए जो एक कस्टमर पोजेस करता है अस सी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर्स इन ई मार्केटिंग द फर्स्ट वन इज कस्टमर्स ऑलवेज हैव अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ईच इंडिविजुअल डिफर्स इन देयर नीड्स एंड डिजायर्स टू गो डेमोग्राफिक एक्स डिफ्रेंसेस एज इनकम एजुकेशन एथेंटिसिटी एंड जेंडर जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है हमेशा वो कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं और ये जो उनकी नीड होती है ये जो रिक्वायरमेंट होती है वो डेमोग्राफिक डिफरेंसेस पे डिपेंड करती है लाइक वो किस एज के एज ग्रुप के हैं उनकी कितनी इनकम है वो किस तरीके की एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं या फिर उनका क्या जेंडर है तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक जनरल कस्टमर्स की सेकेंड इज मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी इंटरनेट यूजर्स हु परचेज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन टू होल्ड द एटीट्यूड दैट टेक्नोलॉजी हेल्प्स दैम टू मेक देयर लाइफ रिचर ईजियर एंड फास्टर जो मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स या जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स होते हैं उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टेक्नोलॉजी पे, और वो हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं ऑनलाइन अगर हम ऑनलाइन बात करें इंटरनेट यूज़र्स की बात करें तो वो ऑनलाइन या फिर इंटरनेट का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो इंटरनेट है वो उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान और हमारी जो जितनी भी टेक्निक्स है उसको फास्ट कर देगी इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड कुछ कस्टमर्स का होता है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू फॉरेस्टर्स रिसर्च ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट ऑफ ई मार्केटिंग कस्टमर्स हैव वन और टू ट्रेड्स फर्स्ट इज कन्वीनियंस एंड सेकेंड वन इज प्राइस ओरिएंटेशन थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ ऑल ऑनलाइन शॉपर्स आर प्राइस कॉन्शियस

वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं और अगर उनको लो प्राइस पे कहीं और हमारी वेबसाइट को छोड़ के कहीं और कुछ अच्छा मिलता है तो वो हमारे से रिलेशनशिप ब्रेक कर सकते हैं पर कुछ जो थर्टी परसेंट थर्टी सिक्स परसेंट जो शॉपर्स हैं वो प्राइस कॉन्शियस नहीं होते वो ये देखना चाहते कि क्वालिटी अच्छी है चाहे उसमें कितने भी पैसे या कि जितना भी उसका प्राइस है वो उसको पे करने के लिए तैयार हैं नेक्स्ट इज़ कस्टमर हैव एनफ मनी टू बाय वट दे नीड फ्रॉम द स्टोर वैदर इट इज़ पर्सनल लैपटॉप और एन इंटर कनेक्शन हमेशा कस्टमर के पास में एनफ मनी होती है कि जो चीज़ उन्हें खरीदनी है वो उनके लिए उसके पास में पैसे होते हैं नेक्स्ट इज दे हैव द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑन एनी प्रोडक्ट बिफोर परचेजिंग वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट नहीं चाहिए since most service organizations and public utilities have the option of online payments and transaction settlements consumers have the free hand to make use of such methods without actually standing in queue or spending their time to travel to different offices or locations shopping आसान तरीके से हो जल्दी से हो और कन्वीनियंट तरीके से हो वो ये नहीं चाहते कि मेरे को लाइन में लग के कुछ चीज़ खरीदनी पड़े या फिर मैं सिर्फ वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रैवल करने में तो कुछ ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो ये चाहते हैं कि जो मैं शॉपिंग कर रहा हूँ या कोई भी प्रोडक्ट जो ख़रीद रहा हूँ वो मैं सिंपल तरीके से कन्वीनियनटली और फास्टर एक्सेस करूँ अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव कस्टमर्स देर आर दोज फ्यू कस्टमर्स हु आर पैसिव टूवर्ड्स ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन्स एंड डोंट फेवर ई मार्केटिंग द रीजन्स में भी लैक ऑफ ट्रस्ट लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज यूज टू कन्वेंशनल स्टाइल्स ऑफ बाइंग एंड डीलिंग विद प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन कुछ जो पॉजिटिव कस्टमर्स होते हैं उनका ट्रस्ट नहीं होता ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे क्योंकि वो देखते हैं कि अगर मेरी सिक्योरिटी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शायद मेरा बैंक अकाउंट हैक हो सकते हैं या फिर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है तो इसीलिए कुछ जो पॉजिटिव कस्टमर्स जो चाहते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करना वो पैसेव होते हैं मीन्स वो डरते हैं अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से लास्टली देयर आर पोटेंशियल कस्टमर्स एंड मार्केट्स विच आर स्टिल अनटैप्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड सच एज रूर कंज्यूमर्स एंड मार्केट्स

रूर कस्टमर्स एंड मार्केट्स तो उनको भी बहुत ही ज्यादा हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि वो किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं सेकेंड टॉपिक ऑफ आर सेशन इज प्रिडिक्टिंग कस्टमर रेस्पॉन्स इन ई मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट कस्टमर प्ले अ वेरी एक्टिव रोल इन ई मार्केटिंग जो हमारा कस्टमर होता है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और वो एक बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है लेट अस सी इन वट वेज कस्टमर रिस्पॉन्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर प्रडिक्टेड एंड परसिव्ड इन ई मार्केटिंग इट कैन बी डन बाय यूज ऑफ एफिशिएंट कस्टमर रिस्पॉन्स इट इज़ अ बिजनेस कंसेप्ट एम्ड एट बेटर सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स थ्रू बिजनेसिज एंड ट्रेडिंग पार्टनर्स वर्किंग टुगेदर ये जो एफिशिएंट कस्टमर रिस्पॉन्स है ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है बिजनेस के लिए जो बताता है कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए और ये जो बिजनेसेस हैं वो उन नीड्स को कंप्लीट करने की या सेटिस्फाई करने की पूरी से पूरी कोशिश करते हैं ताकि हमारे ई e मार्केटिंग को एक अच्छा कस्टमर रिस्पॉन्स मिले ई सी आर बेस्ट प्रैक्टिस डिलीवर सुपीरियर बिजनेस रिजल्ट थ्रू रिड्यूसिंग कॉस्ट एट ऑल स्टेज

ECR बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन डिलीवर इम्प्रूव रेंज वैल्यू सर्विस एंड कन्वीनियंस ऑफ ऑफरिंग्स जब हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कंसीडरेशन में लेते हैं ECR सी आर के लिए तब हम एक इम्प्रूवड रेंज पे इम्प्रूव वैल्यू पे सर्विसज पे और कन्वीनियंस पे एक मॉडल डिलीवर कर सकते हैं जो कि कस्टमर्स को बहुत ही सैटिस्फैक्ट्री लग सकता है द ई सी आर मूवमेंट स्टार्टिड इन मिड नाइन्टीज़ एंड दीज प्रोग्राम्स वॉज इनिशिएटेड बिकॉज एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ कस्टमर डिमांडिड मोर क्वालिटी मोर वाइटी एंड मोर सर्विसज फॉर लेस मनी ये जो ई सी आर मूवमेंट था वो तब स्टार्ट हुआ था मिड नाइन्टीज़ में स्टार्ट हुआ था क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स थे या कस्टमर्स थे उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही थी और वो हाई क्वालिटी और लेस प्राइस पे हमारे प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को डिमांड कर रहे थे द टू प्राइमरी प्रिंसिपल डेट गाइड ऑल ई सी आर एफर्ट्स आर फोकस ऑन कस्टमर्स एंड वर्किंग टूगेदर जो दो प्राइमरी प्रिंसिपल्स ईसीआर को गाइड करते हैं वो होते हैं फोकस ऑन कस्टमर्स और वर्किंग टूगेदर फोकस ऑन कस्टमर्स इज अब बिजनेस कैन सक्सीड ओनली बाई प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेट कंसिस्टेंटली मीट और सरपास देयर डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ये जो फोकस ऑन कस्टमर्स है यहाँ पे बिजनेस सक्सीड तभी होगा जब कस्टमर्स की प्रोडक्ट और सर्विसेज हम कॉन्स्टेंटली मीट करेंगे मीन्स कस्टमर्स की नीड को हम परफेक्टली जब मैच करेंगे कंस्टेंटली मीट करेंगे तभी हमारा जो कस्टमर का फोकस है वो हमारी तरफ बना रहेगा एंड सेकेंड वन इज वर्किंग टूगेदर रिकॉग्नाइजिंग दैट द ग्रेटेस्ट कस्टमर वैल्यू कैन बी ऑफर्ड ओनली बाय वर्किंग टूगेदर वर्किंग इंटरनली एंड विद ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड ओवरकमिंग द बैरियर्स डेट हिंडर एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस मीन्स कि किस तरीके से हम साथ में काम कर सकते हैं इंटरनल जो हमारे वर्कर्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर सकते हैं ताकि हमारी जो कस्टमर की वैल्यू है जो कस्टमर की रिलेशनशिप है वो इंक्रीज हो ई सी आर करता है कंपनीज को कि वो किस तरीके से हमारी इम्प्रूवमेंट्स को परस्यू कर सकते हैं और इसके लिए हम तीन फोकस एरियाज़ पे डिपेंड करते हैं दीज फॉर्म्स द बेस ऑफ ई सी आर ग्लोबल स्कोर कार्ड्स और ये जो फॉर्म्स हैं ये जो एरियाज हैं फोकस एरियाज़ हैं ये हमारी ई सी आर का ग्लोबल स्कोर कार्ड बनाते हैं जो तीन फैक्टर्स हैं वह है डीलिंग विद कस्टमर परसेप्शन डीलिंग विद कस्टमर एक्सपेक्टेशजरिंग द कस्टमर बिहेवियर

नज़रिए से कस्टमर के परस्पेक्टिव से देखनी चाहिए मेजरिंग एंड डीलिंग विद कस्टमर्स परसेप्शन कैन बी डन थ्रू मार्केट रिसर्च एंड सर्विस और ये सिर्फ इस वजह से किया जा सकता है ताकि बहुत सारी जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं या मार्केट सर्वेस करते हैं तभी हमें पता लग पाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए और जब हम ये जान लेते हैं कि कस्टमर का परस्पेक्टिव क्या है किसी भी प्रोडक्ट के लिए तब हमें उसे उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना चाहिए हाउएवर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मेजरिंग एंड डीलिंग विद द कस्टमर परसेप्शन आर गिवन डेट इज़ कंपनीज मस्ट फाइंड आउट हाउ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर परसीव्ड बाय कस्टमर्स जो पहला एस्पेक्ट है वो ये है कि कंपनीज़ को ये देखना चाहिए कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स को या हमारी सर्विसेज को किस तरीके से देखते हैं दूसरा ओनली बाई नोइंग विच फीचर ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कस्टमर्स कंपनीज कैन डेवलप अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज हम कंपनी को ये जानने की ज़रूरत है कि कस्टमर्स को कौन सा पार्ट या कौन सा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है हमारी कंपनी का और इस जो प्रोडक्ट या जिस चीज़ की कस्टमर को रिक्वायरमेंट है या इंपॉर्टेंस है उसको हमें अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज के थ्रू डेवलप करना चाहिए नेक्स्ट इज कस्टमर मस्ट मेक श्योर दैट देयर कस्टमर्स आर फुली अवेयर ऑफ ऑल द वेज दे आर ऑफरिंग्स कैन प्रोवाइड वैल्यू टू दैम कंपनी को हमेशा ये इंश्योर करते हुए चलना चाहिए कि जो हमारी कस्टमर्स हैं उनको हम किस तरीके से बेस्ट ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं इन सिचुएशंस इन विच कस्टमर ऑब्जर्व हाई मार्केट शेयर्स लीड एज अ साइन ऑफ क्वालिटी it is advisable to advertise the increased share values in the market ऐसी सिचुएशन में जहाँ कस्टमर हाई मार्केट शेयर्स को एक्सपेक्ट करता है वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें क्वालिटी चाहिए कस्टमर्स को हमारी क्वालिटी चाहिए तो इसीलिए हमें प्रॉपर्ली एडवर्टाइज़ करना चाहिए हमारी इंक्रीज शेयर वैल्यूज़ के लिए ताकि कस्टमर्स को ये पता लगे कि वो हमारे जो प्रोडक्ट है वो फुल ऑफ क्वालिटी है लास्ट इज़ इट इज़ डिज़ायरेबल टू कॉन्टेक्ट कस्टमर्स हुडिकेट लो रिज़ल्ट फॉर लॉयल्टी और व्यूज ऑफ़ कंपनी इन द सर्विस हमें उन कस्टमर्स को डिज़ायरेबल कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करना चाहिए जो लो रिज़ल्ट शो कर रहे हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बार बार खरीद नहीं रहे हैं तो इस वजह से हमारी जो कंपनी है वो लॉस में जाती है तो ऐसे कस्टमर्स से हमें कॉन्टेक्ट करना चाहिए कि उन्हें हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छा नहीं लगा या क्या बुरा लगा तो ये चीज़ें हमें देखती रहनी चाहिए नेक्स्ट इज डीलिंग विद कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस कि कस्टमर आखिर चाहता क्या है कस्टमर एक्सपेक्टेशंस कैन बी मैनेज्ड मैट एंड एक्सीडिड इट कैन बी डन इन थ्री स्टेजेस जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं हम उनको मैनेज कर सकते हैं उनको मीट कर सकते हैं और उनको एक्साइड भी कर सकते हैं जो तीन तरीके होते हैं वो तीन ये जो काम है वो तीन स्टेजेस में किया जा सकता है पहले हमें ये समझना चाहिए कि, कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं द फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेशंस मैनेजिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द डिमांडिंग कस्टमर स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग देयर एक्सपेक्टेशंस यूज कस्टमर रिसर्च एंड साइट बेंच अचीव दिस ये जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम मैनेज कर सकते हैं कि, कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं या किस तरीके से हम कस्टमर्स की डिमांड को अंडरस्टेंड कर रहे हैं नेक्स्ट इज सेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द सर्विसेज प्रोमिस्ड जो सर्विसेज जो एक्सपेक्टेशंस के लिए हमने प्रोमिस किए हैं हमारे कस्टमर्स को हमें उन्हें फुलफिल करना चाहिए एक्सपेक्टेशंस कैन बी बेस्ट मैनेज बाय एंटरिंग इन टू एन इनफार्मल और फॉर्मल एग्रीमेंट एज टू वट सर्विसज द कस्टमर कैन एक्सपेक्ट थ्रू कस्टमर सर्विसेज गारंटीज और प्रोमिसज जो भी हमने कस्टमर को सर्विस या कोई भी जो प्रोडक्ट हमने कस्टमर को सेल किया है उसमें गारंटीज़ होनी चाहिए और प्रमिसेज होनी चाहिए और हमें ये श्योर करना चाहिए कि क्या वो गारंटीज़ और प्रोमिस कम्प्लीट या सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और लास्ट है डिलीवरिंग द सर्विस प्रोमिस कमिटमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड थ्रू ऑन सर्विस सपोर्ट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड फिजिकल फुलफिलमेंट इफ़ नॉट योर ऑनलाइन क्रेडिटिबिलिटी विल बी डिस्ट्रॉयड एंड अ कस्टमर विल नेवर रिटर्न अगर एक हमने प्रॉमिस किया है किसी भी सर्विस के लिए तो वो हमें डिलीवर करनी चाहिए वेदर हमें उनके घर पे जाके ही क्यों ना उस सर्विस को देना पड़े अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी ऑनलाइन क्रेडिटिबिलिटी कम होती है और ये बहुत ही अनफेवर्ड रहेगा हमारी ऑनलाइन साइट के लिए नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग कस्टमर बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स टूवर्ड्स ई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मेजरिंग कस्टमर बिहेवियर हेल्प्स टू स्टडी अबाउट हाउ व्हेन, व्हाई एंड वेयर पीपल डू और डू नॉट बाय अ प्रोडक्ट हमें ये जानना ज़रूरी है कि कस्टमर के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है कि आखिर क्यों कस्टमर या किस वजह से कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बाय कर रहा है या हमारे प्रोडक्ट को क्यों बाय नहीं कर रहा है ये हमें दोनों पर्सपेक्टिव पता होने चाहिए इट अटैम्प्टू रियलाइज द रियलाइज द बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स और ये जो मेजरिंग कस्टमर बिहेवियर है ये दोनों तरीक़ों से होना चाहिए कि कस्टमर किस तरीके से हमारी डिसीजन को ले अपने डिसीजन को लेता है और ये दोनों तरीक़ों से होना चाहिए इंडिविजुअली भी होना चाहिए और ग्रुप्स के लिए भी होना चाहिए इट ऑल्सो हेल्प्स

वो किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है वेदर अ कस्टमर इज़ इन्फ्लुएंस फ्राम इट्स ग्रुप फ्राम इट्स फैमिली फ्राम इट्स फ्रेंड्स और फ्राम सोसाइटी तो ये चीज़ें हमें कंसिडरेशन में लेके आनी चाहिए हमें मेजर करना चाहिए कस्टमर का बिहेवियर और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जो उनके टू उनके लिए रिस्पॉन्स को जनरेट करें कस्टमर बिहेवियर क्या होता है ना कस्टमर बिहेवियर स्टडी इज़ बेस्ड ऑन कस्टमर बाइंग बिहेवियर द कस्टमर प्लेज द थ्री डिस्टिंक्टिव रोल्स ऑफ यूज़र पेयर एंड बायर एक कस्टमर का बिहेवियर जो है वो ये स्टडी है कि, कि किस तरीके से कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बाय करता है उनका बाइंग बिहेवियर क्या है और कस्टमर एक साथ में तीन डिस्टिंक्टिव रोल प्ले करता है सबसे पहला यूज़र का दूसरा पेयर का और तीसरा बायर का मीन्स जो हमारा कस्टमर है वो यूजर भी है उस सर्विस के लिए पे भी करता है और उस सर्विस को बाय भी करता है रिलेशनशिप मार्केटिंग इज एन इन्फ्लुएंशियल बेनिफिट फॉर कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस एंड इट हैज़ अ कीन इंटरेस्ट इन द रीडिस्कवरी ऑफ द ट्रू मीनिंग ऑफ मार्केटिंग थ्रू द री एफर्मेशन ऑफ़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कस्टमर और बायर ये जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरीके से हम कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और उसमें कीन इंटरेस्ट लेते हैं ताकि हम नई नई डिस्कवरीज बार बार हमारी कस्टमर के बिहेवियर पैटर्न में करते हैं सम स्पेसिफिकेशंस ऑफ जनरल फंक्शंस आर डिटर्मिनेशंस न्यूट्रियलिटी एनोनिमिटी अनएमिटी होमोजिनीटी एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग पोर्टो ऑप्टीमेलिटी नो सोशल चॉइस फंक्शंस मीट दीज रिक्वायरमेंट्स इन एंड ऑर्डिनल लेवल एट द सेम टाइम्स कुछ जो स्पेसिफिकेशनस होती हैं कुछ फंक्शंस में वो हमें फुलफ़िल करनी चाहिए जैसे कि डिटर्मिनेशन होनी चाहिए हमारी फंक्शंस में न्यूट्रैलिटी होनी चाहिए एनोनीमिटी होनी चाहिए होमोजिनीटी होनी चाहिए और स्ट्रोंग एंड वीक पर तो ऑप्टीमैलिटी होनी चाहिए कस्टमर बिहेवियर इज डिफाइंड एज द प्रोसेस एंड एक्टिविटीज पीपल एंगेज इन वैन सर्चिंग फॉर सेलेक्टिंग परचेजिंग यूजिंग इवेल्युएटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो एज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिजायर्स। कस्टमर का जो बिहेवियर है वो वो प्रोसेस या वो एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम पीपल को एंगेज करते कि वो किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करें उन्हें सेलेक्ट करें उन्हें बाय करे यूज़ करें और उसके रिगार्डिंग एवोल्यूशन अपने दे ताकि जो उनकी नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकें और उनके जो डिज़ायर्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो सकें प्रॉब्लम्स और नीड आइडेंटिफिकेशन कस्टमर हैव स्पेसिफिक और जनरल रीज़न्स

पर जब कस्टमर कैच करता है कोई भी एडवर्टाइजमेंट को ऑनलाइन तो मींस उस एडवरटाइजमेंट ने कस्टमर को किसी ना किसी फॉर्म में अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है द गोल ऑफ ई मार्केटर्स हेयर शुड बी टू रीच टारगेटेड कस्टमर्स विद वट दे रिक्वायर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स और सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स यहाँ पे ई e मार्केटर्स का ये गोल होता है कि हम देखें कि हम किस तरीके से अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशनल सर्च इंफॉर्मेशनल सोर्स कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इज पर्सनल सोर्स पर्सनल सोर्स की मीन्स हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर कस्टमर तो हम पर्सनल सोर्सेस से ले सकते हैं कि मींस कि किसी भी एक पर्सन की फेवरेट वेबसाइट कौन सी है कमर्शियल सोर्सेज से कि वेबसाइट किस किस तरीके की न्यूज़पेपर्स और बुक्स को यूज़ कर रहे हैं और कस्टमर्स ने किन किन न्यूज़पेपर्स और बुक्स को इंटरेस्ट दिखाया है नेक्स्ट इज़ पब्लिक सोर्सेज फॉर एग्जाम्पल सर्टेन रेगुलेटरी एंड एडवर्टाइजरी साइट्स कैन बी सर्व एज पब्लिक सोर्सेज नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंसिस फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर मे हैव हिमसेल्फ ट्राइड एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सेवरल टाइम्स डेट फेल्ड ईच टाइम विच लीड्स टू एन बेटर एक्सपीरियंस नेक्स्ट थिंग इज स्टेज डिस्क्रिप्शन कस्टमर सेलेक्ट करता है प्रोमोशनल मैसेजिस को कि कौन से मैसेज उन्हें प्रोमोश मोर एक्यूरेट लग रहे हैं कस्टमर सेलेक्ट कर सकता है कॉम्प्रीहेंसिव मैसेज को जहाँ पे जो मैसेज है वो सिर्फ बिलीव्स और एटीट्यूड पे ही समझा जा सकता है और लास्ट है अदर कस्टमर सेलेक्ट रिटेंशन मैसेज एज दे आर मोर मीनिंगफुल और इम्पॉर्टेंट टू देम कस्टमर सिर्फ वही मैसेज सेलेक्ट करता है जो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन इवेल्यूएशन कस्टमर्स ऑलवेज कंपेयर द ब्रांड्स products and evaluate alternatives for functional and physiological benefits they offer. customer हमेशा compare करता रहता है हमारे brands को या products को on different basis और ये वो ये देखता रहता है कि क्या उसको कोई alternative मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है नेक्स्ट इज परचेज डिसीजन आफ्टर evaluation कस्टमर विल बी रेडी टू मेक अ परचेज डिसीजन मार्केटर्स मस्ट फैसिलिटेट द कस्टमर टू मेक अ पॉजिटिव डिसीजन एंड परचेज द प्रोडक्ट जब कस्टमर इवेल्युएट कर लेता है मार्केट को फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट तब वो खरीदने के लिए या पेमेंट डिसीजन बना लेता है कि अब मैं ये प्रोडक्ट खरीद लूँगा तो जब मार्केटर्स को ये हेल्प करनी चाहिए और मार्केटर्स को इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए अपने वेबसाइट की कि वो फैसिलिटेट कर सके कस्टमर्स को कि उन्हें क्या चाहिए और वो किस तरीके से उसे बाय कर सकते हैं नेक्स्ट इज पोस्ट परचेज इवेल्युएशन समटाइम्स कस्टमर एक्सपीरियंस डायलेमा आफ्टर मेकिंग अ परचेज अ कस्टमर हैविंग बॉट अ प्रोडक्ट मे फील दैट ऑप्टिंग फॉर अनदर ब्रांड वुड हैव बीन प्रेफरेबल इन दिस सिचुएशन कस्टमर विल नॉट रीपरचेज इमिजिएटली एंड इज़ लाइकली टू स्विच ब्रांड्स नेक्स्ट टाइम कभी कभार जब कोई भी कस्टमर परचेज़ कर लेता है प्रोडक्ट को तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि खरीदने के बाद उसे ये लगे वो इस सिचुएशन में आ जाए कि यार मैं किसी और से भी तो यही सामान ले सकता था एट लो प्राइजिस या फिर ये तो अच्छा नहीं लग रहा काश मैं किसी दूसरे ब्रांड को चूज़ कर लेता तो ये चीज़ ये सिचुएशन कस्टमर्स के पास में नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो शायद कस्टमर दोबारा से हमारे साथ में डील नहीं करेगा और शायद वो अपना ब्रांड शायद चेंज कर ले ना इवेल्यूएशन ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिस कस्टमर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट कैन बी ऑप्टेन्ड थ्रू सेवरल वेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीकुंटली यूज मैथड्स ऑफ ऑप्टेनिंग कस्टमर रिस्पॉन्स स्लैश फीडबैक्स आर फॉलोइंग ये जो कस्टमर के रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के हम उन्हें बहुत सारी तरीकों से गैदर कर सकते हैं ऑप्टेन कर सकते हैं कस्टमर के रिस्पॉन्स को कि कस्टमर एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के बारे में क्या सोचता है तो ये चीज़ हम बहुत सारी तरीक़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहला जो तरीका है वो है कस्टम बिल्ड सर्वेस। कस्टमर रिस्पॉन्स कलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन सर्वेस शो वेयर योर कंपनी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज आर लाइंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर हेल्प्स द कंपनी टू इम्प्रूव इन द फील्ड एंड इन टर्न हेल्प्स टू एनहेंस सेल्स कस्टमर के रिस्पॉन्स को हमें ऑनलाइन सर्वेस के थ्रू कलेक्ट करना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि कंपनी की एक्चुअल स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ लाए करती हैं नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एम्प्लॉय शॉप्स इंडिविजुअल एम्प्लॉय शॉप सर्विस इज़ फ्लैक्सिबल यू कैन यूज़ इट फॉर एनीथिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय इंसेंटिव्स एंड इम्प्रूविंग ट्रेनिंग टू द इंक्रीजिंग एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय शॉप है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सीबल होती हैं यहाँ पे एम्प्लॉय इनिशिएटिव्स देता है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाता है और जो ट्रेनिंग हो रही है एम्प्लॉयज की उसे भी इम्प्रूव करवाता है नेक्स्ट इज कस्टमर रिस्पॉन्स कार्ड डेटा कलेक्शन हेयर रॉ डेटा फ्रॉम योर कस्टमर्स मेल इन रिस्पॉन्स कार्ड इज कलेक्टेड एंड पुट इन टू फंक्शनल एंड लॉजिकल एग्रीमेंट दिस कुड बी अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये जो हमारे कस्टमर के रिस्पांस कार्ड डेटा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है और यहाँ पे जो ये जो इंफॉर्मेशन है वो रॉ डेटा के फॉर्म में होते हैं कि किस तरीके से कस्टमर अपनी मेल इन आई यूज़ करके हमारे साथ में प्रोडक्ट की परचेजिंग स्टार्ट करेगा नेक्स्ट इज कंप्टिटिव शॉप्स इन दिस मैथड इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर रिस्पॉन्ज इज़ कलेक्टेड from competitive shops with a customer built survey ये जो हमारी competition shops होती है competitive shops होती हैं यहाँ पे बहुत सारी shops होती है जो एक ही product को different prices पर बेच रही होती है तो customer को जो price और उस product की quality जिससे भी ज़्यादा better लगेगी तो वो उसी से ही shop करेगा next is telephone call evaluation इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट कस्टमर्स रिस्पॉन्स वाइल इंटरेक्टिंग विद योर सेल्स पर्सन ऑन द टेलीफोन ये जो हमारे टेलीफोन ऑपरेटर होते हैं या टेलीफोन सेल्समैन होते हैं यह अपने सारे आइडियाज़ और एक्सप्लेनेशनस को फ़ोन पर बताता है हमारे कस्टमर्स को और वो इस तरीके से कन्वेंस करने की कोशिश करता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी बिक जाए यूजिंग टेलीफोन कन्वर्सेशन नेक्स्ट टॉपिक इज हैंडलिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ कस्टमर्स कस्टमर इज द किंग ऑफ ई मार्केटिंग देयरफॉर सेफ्टी मेजर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ कस्टमर्स इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑर्डर टू बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप विद देम जो कस्टमर होता है वो ई मार्केटिंग का किंग होता है और यहाँ पे हमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स को कस्टमर्स को बताना पड़ता है उनकी जितनी भी सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स हैं वो कंसर्न होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमारे रिलेशनशिप के साथ में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन हाउ टू प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी इज़ की टू योर ऑनलाइन बिजनेसेस you need to have a good online privacy policy if you need to survive and thrive in e marketing sharing and distributing your customers personal information can put into lot of hardship as every country has strict and stringent laws to protect the privacy of its people जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अबाउट प्रोटेक्ट एंड प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ एनी वेबसाइट इसीलिए वो अपना डेटा को शेयर करने में हिचकिचाते नहीं है तो कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो तैयार करके रखें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को या फिर प्रोटेक्ट करें हमारे कस्टमर की सेफ्टी और सिक्योरिटी को हेयर आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस दैट इज रिकमेंडेड फॉर बिजनेसिस टू बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर्स कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो हमें हेल्प करते हैं या ये बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं कि हम कस्टमर्स का या कंज्यूमर्स का ट्रस्ट हासिल करें ऑन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर्स फर्स्ट इज योर वेबसाइट प्राइवेसी स्टेटमेंट्स हमें अपने कस्टमर्स को बताना चाहिए कि हम कौन कौन सी प्राइवेसी स्टेटमेंट्स को एक्वायर करते हैं एज एन ई मार्केटर मेक श्योर डेट योर प्राइवेसी स्टेटमेंट इज ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड जो हमारी प्राइवेसी स्टेटमेंट है हमारी वेबसाइट्स की वो बहुत ही ज़्यादा आसान होनी चाहिए और वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए नेक्स्ट यू नीड टू बिल्ड ट्रस्ट विद योर कस्टमर्स बाय राइटिंग योर प्राइवेसी स्टेटमेंट्स इन स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज एंड ऑर्गेनाइजिंग इट क्लियरली हम कस्टमर्स के साथ में ट्रस्ट इस तरीके से बिल्ड कर सकते क्योंकि जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है वो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हुई हो होगी और उन वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में होगी तभी कोई भी हमारे जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट की प्राइवेसी स्टेटमेंट्स को पढ़ना चाहेगा और जब वो प्राइवेसी स्टेटमेंट पढ़ेगा तो उसका ट्रस्ट हमारी वेबसाइट पे आएगा नेक्स्ट इज़ योर कस्टमर्स पर्सनली आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन कि कस्टमर्स के पास में कुछ अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ट्रीट टेस्टिमोनियल पी आई आई रिस्पेक्टफुली यूज़ कस्टमर टेस्टिमोनियल्स टू बोथ एड क्रेडिटेबिलिटी टू योर बिजनेस एंड स्ट्रेंथन योर मार्केटिंग मैसेजेस आइडेंटिफाई एंड फॉलो सम बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस फॉर पोस्टिंग टेस्टिमोनियल्स दैट मे बी एसोसिएटेड विद द यूजर्स पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन हमें पर्सनल आइडेंटिफायर इन्फॉर्मेशन को बहुत ही रिस्पेक्टफुली तरीके से ट्रीट करना चाहिए और हमें यूजर के या जो कस्टमर्स की टेस्टिमोनियल से उन्हें क्रेडिटिबिलिटी के हिसाब से लेना चाहिए नेक्स्ट इज़ योर वेबसाइट सिक्योरिटी कंसीडर मिक्सिंग अप योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टर्म्स कॉरपोरेट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टर्म्स शेयर मैनी कॉमन गोल्स बट डोंट ऑलवेज वर्क टूगेदर if यू हैव सेपरेट टर्म्स इंटीग्रेटिंग them वुड रिजल्ट इन बेटर प्रोटेक्टिंग फॉर कस्टमर्स डेटा हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी टर्म्स को मिक्स करवा देना चाहिए ताकि क्योंकि कुछ जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी टर्म्स होती है वो आपस में कॉमन होती हैं पर ये एक साथ वर्क नहीं करती अगर हमारे पास में सेपरेट टीम्स हैं तो उन्हें इंटीग्रेट करना चाहिए कि, कि किस तरीके से वो बेस्ट तरीके से हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसीज को वर्क कर सकती हैं एंड लास्ट वन इज योर ऑनलाइन बिहेवियल ट्रैकिंग प्रैक्टिस मिनिमाइज डेटा कलेक्शन ऑन योर वेबसाइट यू शुड ओनली कलेक्ट मिनिमम पर्सनल डेटा डेट वुड बी एनफ टू ईदर प्रोवाइड दैम विद योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और लेट देम इंटरेक्ट ऑन योर साइट ये जो हमारा डेटा कलेक्शन है उसे मिनिमाइज कर देना चाहिए वेबसाइट पर क्योंकि हमें सिर्फ मिनिमम से मिनिमम पर्सनल डेटा चाहिए यूज़र का ताकि हम सिर्फ ये जान सकें कि कस्टमर्स को क्या ख़रीदना अच्छा लगता है और वो उसे किस तरीके से खरीदना चाहते हैं हमें सिर्फ बिहेवियरल पैटर्न को ट्रैक करना चाहिए ना कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूज़र की रखनी है डू इट योर सेल्फ दीज आर द क्वेश्चन डेट यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ फर्स्ट वन इज What are the general characteristics of the customers in market and second one is how you can handle the safety and security concerns of the customer thank you and have a nice day